तो गाइस आज मैं अपने GTA 5 को AI की हेल्प से एनहांस करने वाला हूं। बेसिकली हम लोग ना GTA 5 की पॉपुलर लोकेशंस का स्क्रीनशॉट लेकर इनके ग्राफिक्स को एनहांस करके देखने वाले हैं कि कैसे देखते हैं। वेल तो गाइस मैं ना तुम्हारे एंड मेरे फेवरेट कैरेक्टर माइकल के घर पर आ चुका हूं। यहां से एक स्क्रीनशॉट निकाल कर इसको एनहांस करके देखते हैं। ओ भाई साहब, यहां पर मैंने इसको एनहांस कर दिया है, तुम ग्राफिक्स चेक कर ही सकते हो। लेकिन यहाँ पर ना यार AI ने अपने घर को एक हॉरर सीन में चेंज कर दिया है। तुम यहाँ पर देख ही सकते हो अपना कितना आलीशान बंगला है। एंड इसको यार ये क्या कर दिया, अपनी गाड़ियां भी तुम देख ही सकते हो कितनी कचरा हो गई है। वेल दोस्तों, अपने फेवरेट कैरेक्टर का घर तुम्हें कैसा लगा कमेंट में लाजमी बताना। बाकी अगर ये AI टूल चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं तुम्हें इस AI टूल का नेम बता दूंगा। सिंपली प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम भी अपनी GTA 5 की ग्राफिक्स को एनहांस करके देखना या किसी भी गेम को एनहांस करके देखना। ओके, तो मैं भी आ चुका हूँ अपने फ्रैंकलिन के घर पर। यहाँ से मैं एक अच्छा सा स्क्रीन शॉट निकाल लेता हूँ एंड इसको एनहांस भी कर देते हैं। यहाँ पर यार चौक को देखो, AI ने कुत्ते से इसको पत्थर बना दिया। एक सेकंड अपनी कार को भी पुराने जमाने वाली कार में चेंज कर दिया। बाकी यहाँ पर AI ने एक अच्छा काम ये किया है कि अपना ये जो गेट नहीं है ना, यहाँ पर एक अच्छा सा गेट लगा लिया है। नहीं यार, AI ने अच्छा नहीं किया, यहाँ से गेट उठाकर यहाँ लगा लिया, क्योंकि तुम देख ही सकते हो यहाँ से अपना गेट गायब है एंड यहाँ पर लग चुका है। वेल दोस्तों कोई नहीं, अभी ना फ्रैंकलिन के ओल्ड हाउस पर एनहांस करके देखते हैं। ओके, तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ फ्रैंकलिन के ओल्ड हाउस पे। यहाँ पर ऐसा करते हैं कि सबसे पहले अपनी गाड़ी को अपने घर के गैराज के बाहर पार्क करके इसको फिर एनहांस करते हैं। यहाँ पर मैं जल्दी से अपनी गाड़ी को पार्क कर देता हूँ। यहाँ पर आई थिंक ये सही है, तो जल्दी से सामने चलते हैं एंड एक अच्छी सी पोजीशन में खड़े होकर इसका स्क्रीन शॉट लेकर इसको एनहांस करते हैं। अभी ऐसा करते हैं ये बस चली जाए, इसके बाद यहाँ पर रुककर आई थिंक यहाँ से नहीं, यहाँ से अच्छा फोटो आएगा। तो यहाँ पर भाई साहब तुम देख ही सकते हो मैंने इसका स्क्रीन शॉट लेकर इसको एनहांस भी कर दिया है। फ्रैंकलिन को तो भाई साहब AI ने बिल्कुल 25 साल का लड़का बना दिया है एंड अपना घर भी यार कितना कचरा हो चुका है। अपनी गाड़ी तो यार एकदम गायब ही हो गई एंड यहाँ पर जमीन पर इतना घास लग चुका है कि ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स वाला सीन हो चुका हो। बाकी यहाँ पर ना यार ये जो सनसेट वाला सीन है बहुत ही मस्त लग रहा है। ओके, तो अभी ना हम ऐसा करते हैं कि ड्राइवर के घर चलते हैं। वेल तो गाइज, अभी ना मैं भी ड्राइवर को लेकर आ चुका हूँ इसके गाँव में एंड इसके घर के आसपास। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं अपनी गाड़ी को मैंने पार्क कर दिया है। आई थिंक यहाँ से अच्छा फोटो आएगा, तो मैंने स्क्रीन शॉट भी ले लिया है एंड इसको यार तुम देख ही सकते हो भाई साहब। यहाँ पर भाई AI ने इस टावर को एक बिल्डिंग में चेंज कर दिया है, अपनी गाड़ी इस ट्रेलर के साथ अटैच हो चुकी है एंड मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं किसी स्क्रैप यार्ड में आ चुका हूँ। भाई साहब अपना ट्रेलर देखो कितना कचरा हो चुका है ड्राइवर का हाउस। बाकी यहाँ पर अच्छी बात ये है कि अपने ड्राइवर को इस AI ने यार एक लड़के में चेंज कर दिया है। ड्राइवर का ऐसा कैरेक्टर अपनी गेम में होता तो यार बहुत मजा आता। वेल दोस्तों अभी ना ऐसा करते हैं कि ड्राइवर की ऑफिस चल कर देखते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑफिस में आ चुका हूँ। मेरे ख्याल से इस अपनी बाइक को यहाँ पर पार्क कर देना चाहिए। तो ये लोग बड़े ही भले ही खड़े रहें, अभी ऐसा करते हैं कि यहाँ से एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेते हैं। आई थिंक इस पोजीशन पे सही रहेगा, तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ यहाँ से यहाँ पर रुक जाता हूँ। अभी मैंने इसको स्क्रीन शॉट ले लिया है एंड यहाँ पर भाई साहब तुम देख ही सकते हो भाई साहब क्या ही खतरनाक सीन लग रहा है। भाई ऐसा गेम ना सच में रियल में होता तो बहुत मजा आता। यहाँ पर भी यार AI को पता नहीं क्या लगता है कि अपनी गाड़ियों को गायब कर देता है, या तो कचरा बना देता है या तो यहाँ पर अपनी बाइक को इसने गायब कर दिया। चलो खैर छोड़ दो। दोस्तों इतना ही नहीं, आगे ना मैं फ्री फायर के कैरेक्टर्स के साथ भी अपनी गेम को एनहांस करने वाला हूँ, तो लाजमी देखना एंड तक। ओके, तो गाइज अभी ना हम ऐसा करते हैं कि एयरपोर्ट पर चलकर एयरपोर्ट को एनहांस करके देखते हैं कि कैसा दिखता है। वेल तो मैं अपने फॉर्चुनर को लेकर एक अच्छी सी ड्रिफ्ट मैंने मार दी है। कमेंट में बताना कि ड्रिफ्ट मैंने कैसी मारी है। यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क करके जल्दी से उतर जाते हैं एंड इन दोनों प्लेन्स का एक स्क्रीनशॉट लेकर इनको एनहांस करके देखते हैं। वेल तो गाइस इसका तुम AI एनहांस देख ही सकते हो। भाई साहब कितना खतरनाक ग्राफिक्स आ गए हैं, ऐसा लग रहा है जिससे साइबर पंक गेम में अपनी GTA 5 चेंज हो गई हो। यहाँ पर भाई साहब प्लेन्स तो बहुत ही अच्छे से एनहांस हो चुके हैं, लेकिन अपना जो बंदा है ना वो भी एनहांस हो चुका है, लेकिन ये जो अपना माइकल है ना थोड़ा पतला हो चुका है एंड इसके जो बाल है ना वो भी ग्रीन हो चुके हैं, तो इसमें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा।
वेल तो गाइस जमीन ऐसा करते हैं कि ग्रीन क्रिमिनल को लेकर माउंट शिलियार्ड को एनहांस करके देखते हैं। बॉयज सब यहाँ पर तुम देख सकते हो ग्रीन क्रिमिनल एक लड़की में चेंज हो चुका है एंड अपनी जो बाइक है अच्छा हुआ कि गायब नहीं हुई है, बाकी वहाँ सामने वाले जो लोग हैं सारे गायब हो चुके हैं एंड इसके अलावा सामने पता नहीं क्या बन चुका है घर टाइप। इस सीन में ना यार मुझे ग्रीन क्रिमिनल बहुत ही प्यारा लग रहा है। वेल दोस्तों इसके बाद ना मैं आ चुका हूँ इस ब्रिज पर एंड इसको मैंने एनहांस किया तो भाई ट्रेन तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई, पानी तो पता नहीं कैसा कलर इसका हो चुका है एंड यहाँ पर घास तो इतना लग चुका है जैसा कि यार क्या ही बताऊं, अभी मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये भी GTA 5 की लोकेशन है। वेल दोस्तों इसके बाद मैं डेविन वेस्टन वाली मेंशन के पास आ चुका हूँ एंड मेंशन की हालत देखो इसको तो यार छोड़ अपना हेलीकॉप्टर तो पता नहीं क्या बन चुका है, इस शॉट को तो भाई AI ने बिल्कुल रियल सीन में चेंज कर दिया है। वेल दोस्तों भी अपनी लास्ट लोकेशन है जो कि तुम्हें बहुत पसंद आएगी जो कि लॉस सैंटोस वाली प्ले बॉय मेंशन। भाई सब यार ये इतने खतरनाक तरीके से एनहांस हो गई कि सभी पिक्चर्स में से मुझे ये फोटो बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड यहाँ पर ना अपना पर्पल क्रिमिनल भी एक अच्छे तरीके से एनहांस हुआ है। वेल दोस्तों अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बताना, बाकी अभी मैं तुम्हें इस टूल का नेम बता देता हूँ। तो इस AI टूल का नेम है फोटो लीप। प्ले स्टोर पे जाकर तुमने बस फोटो लीप सर्च करना है तुम्हारे पास इस तरह का एप्लीकेशन आ जाएगा। तो सिंपली इसको इंस्टॉल करके AI सीन्स वाले सेक्शन में जाकर अपने फोटोज को मेरी तरह एनहांस कर लेना। वेल दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने ना अपनी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के ग्राफिक्स को भी इसी तरीके से एनहांस किया है। अगर वीडियो देखनी है तो स्क्रीन पर जो तुम्हें वीडियो दिख रही है इसी में आ जाओ।